तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड आम आरंभ करवा आम स्टार्ट को गले प्रोग्राम को गले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऊपर क्लिक करें आम वर्ड खोलिला। वर्तमान फर्स्ट आम कीबोर्ड रो किसी अल्फाबेट्स विषय जानवा स्मॉल लेटर्स तो ए बी सी डी रु नहीं कि जेड पर्यंत आम पांच थरे वर्ड रे टाइप करवा। स्टार्ट को गले प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपणकर वर्ड एटी खोलिला एमिती एटी मु ए टू जेड पांच थरे टाइप करिया पई चाहूची। तो जो जिनस आपण जेते थरे टाइप करिवे आपणकर अक्षर विषय रे ज्ञान हबो जे को अक्षर कोटी रहूची। तो एटा वर्तमान टाइप रेटिंग हिसाब रे जाउनी गोटे अजणा लोक कीबोर्ड व्यवहार करिवे माने तार ज्ञान थिबा दरकार को अक्षर कोठी अछि। तो किछि कांस्टेंट प्रैक्टिस द्वारा ए जिनस सफल हेइ पारिबो। टाइप रेटिंग होची स्वतंत्र अन्य कोर्स जोटा को यूज करके आम टाइप करला यूज करा किंतु वर्तमान यहाँ जोटा आप टाइप करते यहाँ आनुमानिक गोटे गोटे अक्षर उपर क्लिक करके टाइप करा हूँ। तो ए टू जेड आम पांच थरे एमती टाइप करें। तो वर्तमान ये आउ गोटे जिनस देखिपार आम जो अक्षर टाइप करें तार प्रथम अक्षर आपे आपे कैपिटाल हो जाए। तो यहाँ हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एते एडवांस हो गला तो लोकों को कू प्रकार जिनस सुविधा हिसाब से दरकार कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली तैयारी कर दोची। इटा को जदि टाइप रेटर रे हमें टाइप कर था प्रथम अक्षर कैपिटल पे हमको मैनुअली करिया पड़ी था किंतु कंप्यूटर सब लेखार प्रथम अक्षर को ऑटोमेटिकली मैनुअली करदेला। तो यही प्रकार किसी सुविधा कंप्यूटर दे जोटा आम आगे गोटे बै गोटे जानवा। तो वर्तमान प्रथम आम कीबोर्ड सब अल्फाबेट्स गुड़ा लिखीदे। तो लिखला बेले आम देखिले सब जिनस छोट अक्षर है सपोज आम कैपिटल लेटर रे लिखापी चाहवा कंप्यूटर आप देखिए कीबोर्ड रे गोटे शिफ्ट करके गोटे कमांड अच्छी सेटा कीबोर्ड रे दुईटा जगार थाए गोटे बाँ पटे आ गोटे दाहाण पटे। यहाँ टाइपिंग सुविधापी कराई जो दाहाण पट अक्षर को बाँ पट शिफ्ट रे प्रेस करा जाए आउ बाँ पट अक्षर को दाहाण पट शिफ्ट रे प्रेस करा जाए। तो एथरे आम दुईटा हाथ को यूटिलाइज करिवार क्षमताटा रोचे। तो सपोज मुझे आसुची मोर ए अक्षर बाँ पटे अच्छी तो मुझ बाँ हाथ में ए टाइप करी आउ शिफ्टा को मुझ दाहाण हाथ में दाबिकी रखी। शिफ्ट एमती जिनस जोटा को कीटा को दाबिकी रखा जाए किंतु ए बी सी डी यही अक्षर गुड़ा को केबे भी दाबिकी रखा जाए सेटा थरे प्रेस कर दिया जाए आउ सांगे सांगे छाड़ी दिया जाए। आपण जदि ए को दाबिकी रखिदेवे आपण देखिबे एटा चार पांच थरे एमती कंटिन्यूस पलै आसिबो। तो सेटा से भूलटा करा करिवेनी हैला। तो तापर आसुची शिफ्ट आम बाँ पटे धरिक भी मारि पारिबा सपोज मु पी मारिया पई चाहूची पीटा मोर दाहाण पटे अछि आपण शिफ्ट धरिले बाँ पट हाथ रे आउ पी मारिले दाहाण पट हाथ रे। तो एमिती जदि गोटे वार्ड भितर गोटे दुईटा कैपिटल मारिया पई चाहूचंती ताहाले शिफ्ट धरिक मारिया पई पड़े किंतु सपोज आप गोटे टोटल हेडिंग टा कैपिटल रे लिखापी चाहूंट तो बारंबार शिफ्ट धरवाटा असुविधा हे। तो से कंप्यूटर रे आपणकर गोटे की अच्छी जहाँ को कैप्स लॉक कहते जोटा कंप्यूटर रे बाँ पटरे अच्छी कंप्यूटर कीबोर्ड रे बाँ पटरे अच्छी। तो ये मुझे कौन करी से कैप्स लॉक उपर थे प्रेस करी आप दाहाण पटे उपर देखिए गोटे लाइट टा जल कीबोर्ड रे लाइट टा जल्ला मैंने आप जान लें कैप्स लॉक टा ऑन हो कैप्स लॉक टा ऑन थिला बेले लाइट जलिला बेले आपण जहाँ किसी टाइप करिवे से ऑटोमेटिकली आपणकर कैपिटल लेटर रे आसीबो। तो जेमिति आमे छोट अक्षर को पांच थरे टाइप करिले सेमिति आमे बड़ अक्षर को भी पांच थरे आमे टाइप करिवार प्रैक्टिस टा करिवा। तो वर्तमान आम जब प्रैक्टिस करिले आम गोटे कमांड सीखिले एंटर कमांड सपोज आम गोटे लेखा किसी लिखिले आम गोटे लाइन तल को जीवापी चाहवा ताहले एंटर कमांड व्यवहार करा जाए। सपोज मुझे जे ए आई लिखिली मुझे तले एस आर आई लिखापी चाहूँ तो ये गोटे एंटर कमांड अच्छी आपड़ जब मारे तो गोटे धाड़ी आप तल को आसीपर ये आम एस आर आई लिखिले आउ थे एंटर मारे आम आउ गोटे धाड़ी तल को आसिले ये आम आर एम लिखिले
एंटर मारे आम आउ गोटे धाड़ी तल को आसे तो एंटर रो काम है आम गोटे लाइन तल को जीवा तापर आसुच्छी टैब टैब रो उद्देश्य है आम सपोज एटी वन लिखिले आउ जब टैब उपर क्लिक क्लिक करूचे तो कंप्यूटर अक्षर को पांचटा स्पेसिंग आग को नहीं आसुच्छी तो एबे एटी दुई लिखिले पुणी आप टैब मारे तीन पुणी टैब मारे चारि तो टैब रो उद्देश्य है कंप्यूटर गोटे गोटे अक्षर भितर पांचटा स्टेप्स रो डिफरेंस दौची एका सहित तापर आसुच्छी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑफ ऑल्ट एमती जिनस कीबोर्ड रे जोटा जहाँ यूजटा सामान ना जोटा सिचुएशन अनुसार अलग अलग थाए आउ जो जिनसा अलग अलग थाए तो से जिनस पढ़ाला बेल एटा कह आपण वर्तमान केवल कंट्रोल दाबिबे कि ऑल्ट दाबिबे स्क्रीन रे किछि हबो नाही तापर आसुच्छी स्पेस बार स्पेस बार रो उद्देश्य है मुठी एंटर मारिली एटी जे ए आई लिखिली आउ गोटे गैप दे कि एस आर आई लिखापी चाहूँगी तो आप गोटे थरे स्पेस मारे तो गोटे अक्षर गैप आसो जोटा नर्माली सब थाए एस आर आई करें आउ गोटे स्पेस मारे आर ए एम करें तो गोटे वर्ड लिखुं मैंने अटोमेटिकली आप प्रति वर्ड एंड रे गोटे स्पेस दरकार पड़ तो यहाँ हूँ स्पेस राम स्पेस पर हूँ विभिन्न प्रकार सिंबल्स जोटा गोटे बाय गोटे आप कीबोर्ड रे प्रैक्टिस करेंगे आप देखिए ए टू जेड छड़ा आप देखिए एक दुई तीन चार पाँच स्क्रीन उपर अच्छी आप सब एमती गोटे गोटे टाइप करके देखिले मैंने ए टू जेड छड़ा बाकी सब की गुड़ाक मुझे टाइप करी तापर मुझे देखुची से अक्षर की एक उपर गोटे चिन्ह आसुची दुई उपर गोटे ओवर रेट चिन्ह आसुची चारि उपर गोटे डॉलर चिन्ह आसुची सपोज मुझे वर्तमान से डॉलर चिन्हटा चाहूँगी तो वर्तमान मुझे केवल चारि प्रेस करी तो चारि आसला से डॉलर चिन्ह आसुनी आपण जदि शिफ्ट दाबिबे आउ चारि उपर प्रेस करिवे ताले से डॉलर चिन्ह आसीब माने आपण कीबोर्ड रे जो देखुचंती उपर गोटे ऑप्शन तळे गोटे ऑप्शन रहउची तो उपरटा मारिया को हेले आपण को शिफ्ट दाबी के मारिया पई पड़िवो आउ बिना शिफ्ट मारिले तळे ऑप्शन टा आसीब तो एबे मु शिफ्ट धरि के सब उपर ऑप्शन टा को थरे टाइप करके देखुची जे मु ए कीज गुडा भी व्यवहार करि परिबि तो ये होची आपणकर सब प्रकार रो सिंबल्स सिंबल्स पर आसुच्छे बैक स्पेस को जे बहुत इम्पोर्टेन्ट जिनस तो वर्तमान मु जे ए आई लिखिली आउ भूल रे मु वाई लिखिदेली मु ए वाई टा चाहूनी तो वर्तमान ए वाई को काटिया पई एठी कीबोर्ड रे बैक स्पेस कर गोटे चिन्ह अच्छी जोटा एंटर रो ऊपर अच्छी तो ताकू आपण जदि गोटे थरे मारिबे ताले गोटे अक्षर आपणकर पछकु लिभिगला आपण जदि ताकू आउ थरे मारिबे ताले आउ गोटे अक्षर टा ता पछरे लिभिगला तो सेमिति आपण गोटे गोटे करके जिते अक्षर चाहिले लिभेई पारिबे तो ये होची बैक स्पेस रो काम बैक स्पेस पर आसुची डिलीट डिलीट गोटे एमती जिनस सपोज आपण एते जिनस लिखिचंती तो वर्तमान ए पूरा मु गोटे धाड़ी डिलीट कर दबा पई चाहूची तो वर्तमान मु जदि एठी गोटे थरे क्लिक करबी आ बैक स्पेस गोटे गोटे थरे मारबी याको लिभेया पई मते बहुत समय लागिवो किंतु सपोज मुझे सब जिनस एका सहित डिलीट करने चाहूँगी मुझे माउसटा या ऊपर को नेबी एटू एमती दाबिकी बाँ पट जाए टाणी तो वर्तमान ये सब जिनस सिलेक्ट हो गला तो एबे मुझे कीबोर्ड रे डिलीट थिबा चिन्ह ऊपर जब प्रेस करी तो मोर एका सहित एटा क्लीयर हो गला तो से भाया जो जिनस मत दरकार ना गोटे गोटे डिलीट करने बदल एका सहित सिलेक्ट कले कि डिलीट करहब जोटा आम परिश्रमटा को कम कर तो ये हूँ आम डिलीट डिलीट पर हूँ आरो मार्क आपड़ कीबोर्ड रे देखुवे जोटा प्राय सदा बेले गेम खेलला बेले व्यवहार करती ये अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो तो आम माउसटा जोटी क्लिक करूचे आमर यही चिन्ह को कर्जर ब्लिंकिंग कहा जाए ये जो धब धब होती कर्जर तो यही कर्जरटा मुझे चाहिए जोटी चाहिए निजे क्लिक करी किंबा कीबोर्ड रे एमती आरो मार्क मारिपारि तल आरो मार्क मारूँ तल को आसला बाम पट आरो मार्क मारूँ बाम पट को गला दाहाण पट को मारे दाहाण पट को गला तो जो पटे मुझे जो आरो मार्कटा प्रेस करी से कर्जरटा से ही जगह को जीव और से ही जगह आम आडजस्टमेंट करपर तो ये हूँ आरो रो काम आरो कर्जर तापर फंक्शन कीज एटा लिखाई अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर माने जो सॉफ्टवेयर रे जो जिनस शिखे सेतबेले कोटा कोटा दरकार पड़ो कमी साधारणतः मुझे एफ टू एफ थ्री प्रेस करी ताल किसी लाभ ना एफ वन टा गोटे एमती कि जोटा प्राय सब सॉफ्टवेयर रे समान या कहते हेल्प
ତ ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ମେଟେରିଆଲ। ତ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ହେଲ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ F1 ମାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ଥ୍ରୁରୁ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ କି ଅଛି, କିବୋର୍ଡ଼ର ବାଁ ପଟ ଉପର ସଭା କୋଣରେ, ESC, ଏଇଟା ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ସ ଲକ୍ କି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଡାହାଣ ପଟ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଚିହ୍ନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 1, 2, 3, 4 ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଯଦି ନମ୍ସ ଲକ୍ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଜଳିବ। ଜଳିଲା ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇ ପଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପରେ ଥରେ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଥରେ। ତ ଦୁଇ ଥରେ ନମ୍ବର ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେବେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ 1, 2, 3କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜାଇ ଥାଏ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟାଇପିଂର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ତ ଉପରେ ସିରିଏଲି ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ 1, 2, 3, 4 ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ହିସାବରେ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ, ତ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ହିସାବରେ ଲେଖାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ କରିକି ସଜାଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। ତ କାଲକୁଲେଟର ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ ଆଉ କାମଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ସ ଲକ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।